इस तरीके से वो आग हाथ पर रख के आरती करती है, उस आग को वो खा लेती है। ये देसी कपूर है। इस कपूर की विशेषता होती है जब इसको जलाते हैं इसकी ऊपर वाली लेयर गर्म रहती है और नीचे वाली ठंडी रहती है। सबसे बड़ी विशेषता हमारे शरीर की है, हमारा शरीर 3 सेकंड तक आग बर्दाश्त कर लेता है लेकिन टेम्परेचर लिमिट है। वो यही करते हैं, 3 सेकंड इस हाथ पर रखा, 3 सेकंड बाद दूसरे हाथ पर रख लिया, उसके बाद मुंह में रख लिया। उसने खाली बर्तन लिया, पंडित जी बोले रुक जा, हमने लोटे से चढ़ाया तू डबुले से चढ़ा रहा है। बोले तुम्हारा भगवान लोटा से पानी लेता है, हमारा भगवान ऐसे डबुले से पानी लेता है। पंडित जी बोले ठीक है, सब बर्तन बर्तन सब बराबर। उसने खाली बर्तन लिया, उसमें पानी डाला, फिर कुछ मंत्र पढ़े पानी गायब करने के लिए। देखा जो पानी था वो स्वर्ग चला गया। अंग्रेज बोला देखा हमारे अंदर कितना शक्ति। पंडित जी ने तुरंत धोती कुर्ता उतारे, पैंट शर्ट पहन के खड़े हो गए। अंग्रेज बोला देखा हमारे अंदर कितना शक्ति, हमने पानी को स्वर्ग पहुंचा दिया। अच्छा बताइए आप लोग पानी किन परिस्थितियों में गायब होता है? हीट करने पर, है ना, या फिर उसको फ्रिज कर दे, बर्फ कर दे। तो मैंने ऐसा कुछ करा नहीं इसके अंदर, इसका मतलब इसमें कुछ गड़बड़ है। अच्छा क्या हो सकता है पानी को सोखने के लिए? स्पंज। ठीक, की क्या है वो लोग किस तरीके से बेवकूफ बनाते हैं मैं आपको बताऊंगा। तो ऐसे एक व्यक्ति थे, उनके पास काफी सारे चमत्कार थे, लेकिन एक खास चमत्कार जो था वो यही था कि वो जुबान में त्रिशूल गाड़ के घंटों बैठे रहते थे। उनसे पूछा गया कि जब आप जुबान में त्रिशूल गाड़ते हैं तो खून क्यों नहीं निकलता? बोला बच्चा मंत्र शक्ति में इतनी तेजी होती है कि खून को निकलने नहीं देती। हमने कहा दर्द तो होता होगा? बोला हाँ थोड़ा बहुत दर्द होता है लेकिन सहन कर लेते हैं। हमने कहा ये सब आप हमें भी सिखाओ। बोले तुम्हारे बस की बात नहीं है, इसके लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ती है, काफ़ी सिद्धि करना पड़ती है, तभी ये सीखने में आता है। हमने कहा हम आपकी तन से मन से धन से सेवा करेंगे, आप हमें सिखाओ। धन का नाम जब उन्होंने सुना तो वो खुश हो गए, बोले ठीक है बच्चा हम तेरे को सिखाएंगे। काफ़ी समय तक हम उनके संग लगे रहे लेकिन वो मंत्र शक्ति हमें नहीं मिली। एक दिन अचानक वो मंत्र शक्ति हमारे हाथ में लग गई, जिसकी वजह से वो जवान में त्रिशूल गाड़ देते। वो क्या मंत्र शक्ति है मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग हाथ खोल लीजिएगा, हाथ बंद नहीं करिएगा। तो इस तरीके से वो जवान में त्रिशूल गाड़ते, लोगों को बताते कि भाई मंत्र शक्ति है, सिद्धि है, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है त्रिशूल के बीचों बीच एक यू आकार का लूप बना हुआ है। जब त्रिशूल को इस तरीके से पकड़ लिया, सामने से आपको पूरा त्रिशूल दिख रहा है, जो लूप है वो उंगलियों के पीछे छुप गया। उसके बाद मंत्र पढ़ने का बहाना किया, मेरे को कोई मंत्र नहीं आता, मंत्र पढ़ने का बहाना किया, जीभ बाहर निकाली, जीभ पे त्रिशूल रखा, जब दूसरा हाथ मुंह पे रखा जीभ अंदर कर ली, त्रिशूल ये आया, ये आया। सर एक मिनट आप आएंगे? अच्छा परेशानी है या नहीं, हम पंखा चला लीजिए, परेशानी है या नहीं ये अभी मालूम पड़ जाएगा। सर ये चाकू उठाइए, साथ में बर्तन उठना चाहिए, नहीं उठा, इसका मतलब आपका परेशानी ज्यादा है। सर ने थोड़ा जोश दिखा दिया, परेशानी थोड़ी सी फैल गई है, तो ज्यादा जोश में आ गए। अब परेशानी है जो भी अगर कैद हो जाएगी तो ये बर्तन उठेगा, नहीं तो नहीं उठेगा। सर मैं नाम जान सकता हूँ आपका? अनिल। अनिल सर पूजा पाठ करते हैं? ढंग से नहीं करते आप। चलिए मैं कोशिश करता हूँ, अगर आपकी परेशानी कैद होनी होगी तभी ये बर्तन उठेगा, नहीं तो नहीं उठेगा। सर आप प्रणाम कर लीजिए इसको। सर थोड़ा सा पीछे आए हो जाइए। ओम ओम आप उठाइए सर।
अब आपका कोई परेशानी नहीं है। धन्यवाद। नाम बताओ। हैं? मुकेश चौहान। क्योंकि बाद में पता नहीं कि कौन गया। गरम तो नहीं लग रहा भाई सर में। देखिए आपको आवाज आ रही है पानी गर्म होने की ना। भाई बोल रहे भाई जाना।